सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सऊदी अरब और ईरान इसराइल की जो जंग चल रही है उससे रिलेटेड भी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। किस तरीके से नेतन्याहू भागते हुए नज़र आ रहा है, आप लोगों ने शुरू में वीडियो क्लिप देखा होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ सऊदी अरब की भी बड़ी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। और कौन कौन सी कंट्रियाँ खुश हैं इस बात को लेकर कि इसराइल के ऊपर हमला किया ईरान ने, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और हमले से पहले एक बयान निकल कर आया था सामने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन और लिबनान के बाद में अब जो हमला है वो तुर्की पे कर सकता है इसराइल, लेकिन उसी दौरान उससे पहले ही अब कल यहाँ पर हमला कर दिया ईरान ने इसराइल के ऊपर। बताया जा रहा है कि 180 मिसाइल से हमला किया है ईरान ने, और ये भी बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मिसाइल यानी कि इसराइल के अंदर गिर चुकी हैं। उसके बाद में अमेरिका के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान निकल कर सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है इसराइल के ऊपर, अगर ऐसा हुआ तो उन्हें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना था, लेकिन ईरान ने हमला कर ही दिया। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसराइल के आसमान पर रोशनी छा गई थी जब ईरान ने हमले किए थे। और साथ ही साथ ये वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है नेतन्याहू का, जिसमें आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि हमले के दौरान ही नेतन्याहू भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है वो अपना बंकर ढूंढ रहे थे छुपने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर नेतन्याहू भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जब हमला किया गया था तो उसी दौरान नेतन्याहू भागता हुआ नज़र आ रहा है। और अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। और ये भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है ईरान की तरफ से, लगातार यही कहा जा रहा है कि 80% मिसाइल उनकी मतलब इसराइल के अंदर घुस गई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल को। तो ईरान के हमले के बाद में नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बड़ा हमला करने वाले हैं हम, आज रात में बड़ा हमला हो सकता है मिडिल ईस्ट में। तो अब देखते हैं किस तरीके का हमला किया जाता है इसराइल की तरफ से। इस समय बताया जा रहा है अपडेट के मुताबिक कि काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल को इस समय जो ईरान ने हमला किया था। लगातार वो हमले कर रहा था गाज़ा पर, उसके बाद लिबनान पर, और ईरान को भी मतलब काफ़ी नुकसान किया, ईरान के ऊपर भी नुकसान पहुंचाया जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। तो अब एक बड़ा बयान दिया है नेतन्याहू ने कि मिडिल ईस्ट पर काफ़ी बड़ा हमला करने वाले हैं हम, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाज़ा के अंदर जश्न मनाया जा रहा है जैसे ही इसराइल के ऊपर हमले किए गए थे, उसके बाद में अब वहाँ पर जश्न का माहौल है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाज़ा के अंदर काफ़ी खुशी मनाई जा रही है इसराइल पर जब हमले हुए हैं, और साथ ही साथ इराक में भी किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अपडेट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ईरान को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम है और कुछ भी काम नहीं कर पाया। तो ईरान को पूरा यकीन हो गया है कि हम हमले कर सकते हैं इसराइल के ऊपर किसी भी तरीके के, तो इससे ये साबित हो चुका है क्योंकि जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। लेकिन इस पर काफ़ी सारे लोग इस सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं कि सभी बहुत सारे लोगों ने इस पर इस तरीके की बातें कही हैं। तो अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी बंदा गैर मुल्की सऊदी अरब में रहता है वो ज़्यादा पैसे अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से बताया गया है कि आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं अपने कामे पर दूसरे बंदे के पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अगर कोई भी बंदा ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि कोई भी बंदा ज़्यादा पैसे अगर ट्रांसफ़र करता है
और अगर वो पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ होगी कि इतना पैसा कहाँ से लाए। अगर वो नहीं बता पाया, सबूत नहीं दिखा पाया कि इतना पैसा उसने कहाँ से कमाया और कहाँ से लाया, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरों के पैसे लेकर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक बार कार्रवाई हुई और आप नहीं बता पाए तो आप फंस सकते हैं। और एक बड़ी जानकारी आ रही है मंत्रालय की तरफ से, अब सऊदी अरब में काफ़ी सारी जॉब्स बढ़ने वाली हैं, जॉब्स मिलने वाली हैं लोगों को, क्योंकि जो कॉफ़ी का काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है सऊदी अरब में, और इस समय 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है, तो उसी को लेकर ये अपडेट जारी की गई है और लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है 47,000 लाइसेंस जारी किए गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब में भी अब कॉफ़ी की जो कॉफ़ी शॉप वगैरह हैं वो काफ़ी सारे खुल रहे हैं और सऊदी लोग भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। तो इसी को लेकर मंत्रालय ने कहा है, कॉफ़ी उगाने से लेकर कॉफ़ी बनाने तक, बेचने तक, यानी कि कॉफ़ी से रिलेटिव जो भी चीज़ें होंगी, मैन्युफैक्चरिंग मशीन वगैरह, सभी के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। अब सऊदी अरब में जो भी काम करने वालों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे मतलब कॉफ़ी शॉप खुलने वाले हैं सऊदी अरब में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आने पे आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।